हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है बिहार में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी कि वन विभाग की तरफ से न्यू वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करी जाए तो टोटल आपका 1459 यानी 1500 के अप्रॉक्स आपका सीट रहने वाला है, जिसमें फॉरेस्टर के लिए 346 आपका पोस्ट रहेगा और अदर्स आपका जो अदर आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही हो जाएगा 1113 सीट्स रहेगा। तो ये है आपका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, वैसे तो ये आपका बिहार की भर्ती है, लेकिन इसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि ये अदर स्टेट वालों के लिए भी भर्ती रहने वाली है, ठीक है। और हाँ, देखिए, अगर आप इससे रिलेटेड कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना चाहते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आप देखना चाहते हैं कट ऑफ, या फिर एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन वगैरह था, तो सब PYQ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए जाके वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। फ्रेंड्स, पहली बात तो ये बता दूं कि ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों ही तरह का इसमें आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं फॉर्म के फी के बारे में। देखिए, जनरल बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएससी 450 यानी 450 रुपीज लिया जाएगा। वहीं पर जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनसे 112 रुपये यानी 112 रुपीज लिया जाएगा। अब अगर बात करें एज की लिमिट के बारे में कि उम्र सीमा क्या रखी गई है, देखिए तो जो निर्धारित उम्र सीमा है 18 वर्ष से 23 वर्ष रहेगा, 18 to 23 ईयर्स। रिलैक्सेशन भी मिलता है बीसी और ईबीसी को 2 साल का और SC ST को 5 ईयर्स यानी 5 साल का। देखिए, जो भी रिलैक्सेशन, जो भी छूट मिलता है ना, वो मिलेगा जो बिहार के अस्थायी निवासी है, यानी जिनका डोमिसाइल बिहार में है उनको मिलेगा। जो अदर स्टेट वाले हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, बिहार में उनको एज अ जनरल ही यहाँ पर ट्रीटमेंट दी जाएगी, ठीक है। तो उनको कुछ रिलैक्सेशन वगैरह नहीं मिलेगा। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो सिंपली जिन्होंने भी 12वीं पास कर रखी है, मतलब कि आपका इंटर में आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट था, आप अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज का भी कोई इशू नहीं रहने वाला है, ठीक है। अब चर्चा करते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस के बारे में। देखिए, आपका यहाँ पर 3 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है, सिंपल है। देखिए, पहले स्टेज पे रिटेन एग्जाम होता है, ऑफलाइन आपकी परीक्षा कराई जाती है पेन एंड पेपर मोड से OMR सीट के ऊपर। उसके बाद आपका फिजिकल होता है, फिर DV यानी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है। लेकिन जो आपका मेरिट डिसाइड करता है ना, वो करता है आपका रिटेन एग्जाम यानी लिखित परीक्षा। तो आपको पहले ही बता दिया कि ऑफलाइन भर्ती है, तो बिहार के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट यानी अलग अलग जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, वहां पर अदर स्टेट वाले को भी बिहार में आकर ही एग्जाम देना होगा, ठीक है। अब हम लोग इतना कुछ डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम के बारे में, तो इन डिटेल उसका पैटर्न भी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, विच इज़ फॉर 400 मार्क्स, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स मिलता है। टाइम हो जाएगा 2 आवर्स यानी 2 घंटे का और निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। अब विषय वाइज अगर बात करूँ ना, तो जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस रहेगा आपका 100 मार्क्स के लिए, 30 क्वेश्चंस रहेगा आपका 120 मार्क्स के लिए, साइंस का 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, लास्टली हिंदी का 20 क्वेश्चन आपका 80 मार्क्स के लिए रहेगा, ठीक है। आई होप कि एग्जाम पैटर्न आप समझ गए होंगे। देखिए, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि यहाँ पर जो आपका एग्जाम रहेगा वही आपका मेरिट डिसाइड करेगा। वैसे तो आपको फिजिकल के लिए भी बुलाया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, लेकिन मेरिट जो बनेगा ना, वो परीक्षा में जो आपका नंबर आएगा आउट ऑफ 400 उससे डिसाइड होगा। क्वालिफाइंग रहेगा तो देखिए, जनरल बच्चों को कम से कम 40% लाना है, बीसी को 36.5% लाना है, ईबीसी को 34% और SC ST को 32% लाना है। तो ये एग्जाम पैटर्न है। आगे मैं बताऊंगी आपको कि अभी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था उसका क्या कट ऑफ गया था, लेकिन उससे पहले हम लोग सेकेंड स्टेज का सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं, जो कि क्या है, हमारा फिजिकल है।
फिजिकल में फ्रेंड सबसे पहले हाइट मेजरमेंट होती है, आपकी ऊंचाई की माप की दंड ली जाती है। देखिए मेल कैंडिडेट के लिए जनरल बीसी ईबीसी और ईडब्ल्यूएस का 165 यानी 165 सेंटीमीटर रहेगा। वहीं पर जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए जनरल बीसी ईबीसी और ईडब्ल्यूएस का 160 सेंटीमीटर रहेगा। एससी एसटी वाले बच्चों के लिए मेल कैंडिडेट का 160 और फीमेल का 155 यानी 155 सेंटीमीटर। फिर आपका चेस्ट मेजर होता है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, तो जनरल बीसी ईबीसी और ईडब्ल्यूएस का है 81 to 86 यानी 81 से 86 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए होता है। एसटी वालों के लिए 79 to 84 सेंटीमीटर रहेगा। सबसे लास्ट में आपका पैदल चलने की क्षमता को देखा जाता है। अब जैसा कि पता है कि वन विभाग में भर्ती आई है तो जंगलों में काफी आपको पैदल चलना पड़ सकता है, तो उसके लिए इसमें रनिंग की एफिशिएंसी नहीं वॉकिंग की देखी जाती है। तो आपका जो वॉकिंग होता है ना 25 किलोमीटर यानी 25 किलोमीटर किसके लिए है, मेल कैंडिडेट के लिए 4 आवर्स यानी 4 घंटे में कंप्लीट करना है। वहीं पर जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए 14 किलोमीटर रहेंगे, 4 आवर्स में उनको भी कंप्लीट करना है। तो ये आपका फिजिकल है जिसमें क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है, आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दी जाती है और आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब करने का। तो आपको अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द मिलेगी, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, वो भी कैटेगरी वाइज मेल फीमेल दोनों के लिए बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले देखेंगे जनरल कैंडिडेट का, तो मेल के लिए है 289, फीमेल के लिए 188। बीसी कैटेगरी में मेल का 284, फीमेल का 172। जो ईबीसी कैटेगरी वाले हैं उनके लिए मेल का 276, फीमेल का 160 रहेगा। एससी वालों के लिए मेल का 266 यानी 266, फीमेल्स के लिए 142 यानी 142 रहेगा। लास्टली एसटी कैटेगरी वालों का ना मेल के लिए रहेगा 277 और फीमेल्स के लिए 170। ये आपका लास्ट ईयर का है। देखिए ये आपको मोटा मोटी तौर पे बताने का एक तरीका होता है कि 400 नंबर में से इतना नंबर लाके पिछले साल पास हुए थे, बट जैसा कि आप सभी को पता है कि इन दिनों कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहा है, तो ये जो आपका टारगेट है ना वो पिछले ईयर का कट ऑफ नहीं रहेगा। इस साल आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है कि इसमें मॉडल पेपर में। हाँ PYQ जरूर लगाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाइएगा, उससे आपको समझ में आएगा कि कौन से चैप्टर में आप वीक हो, कहाँ पर आपका अच्छा कौन सा स्ट्रांग चैप्टर है, कौन कौन सा आपने कंप्लीट कर लिया है सिलेबस, वो सब देख करके मॉडल पेपर बनाओ। उसमें आउट ऑफ 400 आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे तभी आपको आपकी सीट मिलेगी। तो चलिए ये तो सीट के रिलेटेड बेसिक जानकारी थी, अभी हम चर्चा करते हैं सैलरी के ऊपर। देखिए सैलरी इन स्टार्टिंग यू विल गेट 21,700, ये बस नोटिफिकेशन में बताने को होती है। शुरुआत में आपको सैलरी जो मिलती है ना 28 से 30 हज़ार मिलती है, बाद में बढ़ा करके सैलरी आपका एज पर नोटिफिकेशन 69,100 है, बट ऐसे आपको ना 80-90 हज़ार के बीच में मिलेगा। तो ये उस जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग मैंने आपको कंप्लीट जानकारी बता दी। अब चर्चा करते हैं कि आपका क्या अप्लाई का डेट रहेगा। देखिए फ्रेंड्स अभी बहुत सारे न्यूज में आई थी कि बहुत जल्द ये आपका भर्ती कंडक्ट करा लिया जाएगा, तो आशा यह है इससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन भी आउट की गई थी, तो आप उम्मीद कर सकते हो। जैसा कि अभी नवंबर हाफ आपका क्रॉस हो चुका है, तो दिसंबर से लेकर जनवरी तक में आपका ये फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद लगे है तो आपका मार्च अप्रैल तक एग्जाम वगैरह भी करा लिया जाएगा। तो पहले अभी बताने का इसका बस सिर्फ और सिर्फ मोटो ये था कि आप अभी से अपनी तैयारी की स्पीड को बूस्ट कर लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह बनाओ, ताकि आपको ये पता चले कि आप कितने पानी में हो, कितना अच्छा आप कर पा रहे हो, ताकि आप मेहनत अच्छा करो और अपना एक सीट नेक्स्ट ईयर जब अभी आपका जनवरी में फॉर्म आए तो आप अचीव कर लो। सो आई होप कि इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपको सारी डिटेल्स मिल गई हो। अब भी कोई डाउट एंड कंसर्न है तो कमेंट करके आप क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो। हाँ वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेकर, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।